शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच जबलपुर के शाहपुरा ब्लॉक की सिहोदा ग्राम पंचायत से एक अहम तस्वीर सामने आई है, जहां ऐसे ग्रामीण जो खुद वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए पंचायत का एक अनूठा फरमान चर्चा का विषय बन गया है। लिहाजा इस आदेश के बाद गाँव में जो तस्वीर बदली है वह आसपास की पंचायतों को भी एक बड़ी सीख दे रही है। वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं। जी हाँ, जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित यह गाँव है सिहोदा, जहाँ पंचायत ने एक अनूठा फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत यदि सरकार की किसी भी योजना का ग्रामीणों को लाभ लेना होगा तो उसे वैक्सीन लगाना जरूरी घोषित किया गया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। बहरहाल पंचायत के इस आदेश के बाद वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान इस कदर बढ़ा कि देखते ही देखते 1200 की आबादी वाले इस गाँव में कुछ ही दिनों में 85% वैक्सीनेशन पूरा भी कर लिया गया है। पंचायत सचिव और सरपंच के अनुसार सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही कई तरह की अफवाहों के चलते ग्रामीणों के अंदर डर का माहौल बन गया था। लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे। ऐसे में इसका असर आसपास की पंचायतों में भी देखा जाने लगा था। यही वजह रही कि पहले नरमी के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग अफवाहों पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे। यही वजह रही कि पंचायत को सख्त निर्णय लेना पड़ा, जो पहले तो गांव के साथ आसपास की पंचायतों में तुगलकी फरमान कहा जाने लगा, लेकिन गांव में जो तस्वीर बदली है उसके बाद अन्य पंचायतें भी इस तरह के सख्त कदम उठाने की तैयारी पर विचार करने लगी है। ऐसे में कहा भी जाता है कि जब लोगों की जिंदगी को बचाना हो तो कई बार सख्त निर्णय भी बड़ा लाभ दिए जाते हैं। हाँ बताएं। और हम वैक्सीन लगवाई हमने यहाँ पे खान के, जब हमको राशन मिली वैक्सीन नहीं लगी थी हमको पहले, हमने फिर आन के कहने वैक्सीन लगेगी जब राशन मिलेगी, लो हमको वैक्सीन लग गई, हमको राशन मिल गई, हमको सरकारी लाभ मिल गया। और ये हर आदमी को सोचना चाहिए और हर आदमी को लाभ उठाना चाहिए, हर आदमी को ये चीज को ज्ञात करना चाहिए कि परिवर्तन के भाई हमको कहाँ किसको क्या करना है। मास्क लगा के चले, इसको इतने हम महामारी चल रही है, इसका परिवर्तन रखने के लिए प्रधान सरकार ने किया है। हम बहुत आभारी हैं सरकार के, बहुत धन्यवाद सरकार के, सरकार ने जैसा किया हम बहुत आभारी हैं। आपका नाम? हमारा नाम राजाराम सिंह लोधी, ग्राम बिजोरी, जिला जब बताए। हाँ तो नियमानुसार मैं जब सोसाइटी आया तो यहाँ पे बताया गया कि आपको जो वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं लगी, यदि आपको वैक्सीन लगती है तभी आप सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मैंने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद मुझे मैंने राशन की पर्ची ली और राशन मिली मुझे। मुझे वैक्सीन का एक कार्ड भी दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका नाम? मेरा नाम आशीष पटेल है और मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं, आपके पंचायत में भी भ्रांतियों की जानकारी है, कैसे दूर किया आपने इसको? हम लोगों ने अपनी पंचायत में बैठक की, उसमें हमारी समिति बनाई, तो समिति बनाने से हम लोगों ने किया कि वो जो लोग नहीं लगवाएंगे वैक्सीन तो हम लोगों ने उनको राशन देने से मना कर दिया है कि हमारी पंचायत में मत आना है, आप गाँव में रहना। हम लोगों ने उनसे बोला तो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? अभी सब लोगों को लग गई है, कुछ ही लोग वर्किंग है वैसे। सर हम लोगों ने एक संकट जो हमारे शासन से मतलब कहा गया था, तो हमने एक संकट प्रबंधन समिति जो होती है उसका निर्माण किया। संकट प्रबंधन समिति में हम लोगों ने बैठकर निर्णय लिया और कोविड की रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि लोगों को समझाइश दी कि वैक्सीन लगवाएं, और जो लोग नहीं मान रहे थे उनके लिए हम लोगों ने किया कि आपको राशन और जो भी शासन की विभिन्न योजनाएं हैं आपको उनसे वंचित रखा जाएगा यदि आप वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, और पंचायत में आना बिल्कुल उनका प्रतिबंधित कर दिया। तो इस कुछ लोगों को मतलब इस चीज़ से भी वो हुआ और उन लोगों ने वैक्सीन आकर अपनी लगवाई। अभी कितने परसेंट लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? अभी लगभग 85% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मेरा नाम कविता दुबे है, ग्राम पंचायत सहौदा, सहायक सचिव। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेस न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।